दोस्तों हमने इसके पहले पार्ट वन वैदिक मैथ्स पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री हमने देखे। अभी हम शुरू कर रहे हैं वैदिक मैथ्स पार्ट फोर। फाइंड आउट स्क्वेयर, वर्ग ज्ञात करना है आपको स्क्वेयर, और ये पार्ट फोर। अगर आप लोगों ने इसके पहले फर्स्ट थ्री पार्ट नहीं देखे होंगे तो हमारे विद्या निकेतन क्लासेस चैनल पर सर्च कीजिए और आपको वो पार्ट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने थर्ड पार्ट में ये देखा था कि जिसका यूनिट डिजिट फाइव था, जिसका यूनिट डिजिट फाइव था, देखिए मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये 15, मुझे बताइए दोस्तों ये 15 है बराबर, काफ़ी मैं बड़ा लिख लेता हूँ, देखिए 15। पार्ट थ्री में 15 था, यानी ये यूनिट डिजिट फाइव था। अभी जो पार्ट फोर शुरू हो रहा है तो उसमें ये उल्टा हो जाएगा, यानी फाइव इधर चले जाएगा और ये वन इधर आएगा, यानी ये 51 होगा। देखिए 51 का स्क्वायर, पार्ट थ्री में हमने 15 का स्क्वायर देखा था जिसमें कि यूनिट डिजिट फाइव था। अभी बराबर ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपका 10th डिजिट फाइव होगा। देखो यहाँ ई पर 10th डिजिट इज 5, दहाई स्थान का अंक 5 हो, 10th डिजिट 5 हो तो क्या करना है। यूनिट डिजिट 5 हो तो आपने पार्ट 3 देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप चैनल पर सर्च कीजिए विद्या निकेतन क्लासेस और वहाँ देख लीजिए। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 4, बराबर ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, जिसमें यूनिट डिजिट आपका कौन सा होगा, कुछ भी अलग, लेकिन 10th डिजिट 5 हो। देखिए देखो ये यूनिट डिजिट 10th डिजिट, यूनिट डिजिट 10th, देखो सभी में 10th डिजिट 5 5 5, 10th डिजिट 5 है दोस्तों। तो वेरी सिंपल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्या करना है देखिए, ये यूनिट डिजिट है। देखो मैं यहाँ पर एक वाला, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से हम रिवर्स जाते हैं, ठीक है, आपको आसानी जाएगी। ये 59 है तो मैं क्या कर दूँगा, 9 का स्क्वायर। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, देखो ये 5 को 25 करके लिखना, 5 को कितना लिखोगे 25, तो मुझे बताइए दोस्तों ये 5 का क्या कर दिए 25, देखो मैंने लिखा है यार 25, रूल में लिखा है 5 को सीधा 25, हर बार अगर आपको 5 दिखा तो आपको 25 लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ 25 में ये 9 क्या कर दो प्लस, यानी ये 9 प्लस कर दो, 25 + 9 कितना होता है दोस्तों 34। क्या किए दोस्तों हमने, 5 की जगह 25 लेना है और 25 में ये यूनिट डिजिट 9 जो है वो प्लस करना है, तो मुझे बताइए 25 + 9 कितना होता है 34, और ये 9 का क्या कर दो दोस्तों स्क्वेयर, 9 का स्क्वेयर कितना होता है 81, बराबर है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ये 5 नहीं है, 5 नहीं, ये 25 है ऐसा समझो, क्योंकि 5 का डायरेक्टली हम स्क्वेयर कर दिए, ये 5 की जगह 25 ले लो, 25 + 8 कितना होता है 33, 25 + 8 33, और ये 8 का क्या करना है स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर कितना होता है दोस्तों 64। देखिए मैंने यहाँ पर रूल लिखा कर दिया है 25 + यूनिट डिजिट, तो यानी आपको क्या करना है 25 + यूनिट डिजिट, देखो मैंने ये 25 ले लिया और यूनिट डिजिट क्या कर दिया प्लस हो गया, एंड यूनिट डिजिट का स्क्वायर और बाद में यूनिट डिजिट का क्या कर दो स्क्वायर, वेरी सिंपल। देखो ये 25 है ऐसा मानकर चलो, 25 + 6 कितना होता है दोस्तों 31, और ये 6 का क्या करना है स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36, वेरी सिंपल फिनिश। बस आपको रूल याद रखना है, कौन सा रूल है, 10th डिजिट 5 है तो 5 की जगह 25 + 4 कितना होता है दोस्तों 29, और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये समझ में आया दोस्तों। अब बराबर ध्यान, स्किप मत कीजिए वीडियो को, स्किप मत कीजिए, आपको पूरा देखना है, क्योंकि आपको यहाँ डिफिकल्टी आएगी, यहाँ आपको डिफिकल्टी आ सकती है, बराबर देखिए। इसलिए आप ऐसा करते हो, बस 2-3 क्वेश्चन देखे बाद में स्किप कर देते, बराबर है ना, पता नहीं आप स्कूल और क्लासेस में 3-3 घंटे कैसे बैठ पाओगे, यहाँ आप 5 मिनट का वीडियो बराबर नहीं देखते हो, बराबर ध्यानपूर्वक देखिए। और देखिए यहाँ चेंजेस कहाँ हो सकते हैं, ये 25
25 और ये 5 को 25 ले लो, 25 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों 28, और ये 3 का स्क्वायर कितना लेते हैं दोस्तों 9 हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ गलत है, ये गलत है। अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है तो आपको 09 लिखना है, यानी 2 डिजिट में लिखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको 2 डिजिट में ही लिखना है। कितने डिजिट में? 2। देखो ये 9 का स्क्वायर 81 आ गया, 2 डिजिट आया। 8 का स्क्वायर 64 आया, 2 डिजिट आया। 6 का स्क्वायर 36 आया, ये भी 2 डिजिट आया। 4 का स्क्वायर 16 आया, ये भी 2 डिजिट आया। सब में 2 डिजिट आया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आया, ये 1 डिजिट आया, तो यहाँ आपको 2 डिजिट करना है। तो 9 को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 9 को ये इस प्रकार से ना करें, ये इस प्रकार से 9 और स्टार्टिंग में 0 लगा दीजिए। ओके, तो ये क्लियर है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये 25 समझ लीजिए, 25 प्लस 2 27, और 27 और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4। लेकिन 4 नहीं लिखना आपको, 04 लिखना है, यानी 2 डिजिट। कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 5 है तो 25 समझ लीजिए, 25 प्लस 1 कितना होता है 26, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ 2 डिजिट क्यों लिए गए? आने वाले समय में यानी कुछ क्वेश्चन में आपको 3 डिजिट भी लेना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रहे दोस्तों कि आप जो डिजिट लिखे यानी जो नंबर जिसका अभी स्क्वायर कर रहे हैं वो कितने डिजिट वाले नंबर है? 2 डिजिट वाले। अगर आपके ये 2 डिजिट वाले नंबर हैं तो स्क्वेयरिंग 2 डिजिट में आना चाहिए। अगर आपके जो नंबर है वो 2 डिजिट वाले नंबर है तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर भी 2 डिजिट में आना चाहिए। जैसे कि देखो ये सब 2 डिजिट वाले नंबर है तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर 2 डिजिट में आएगा। ये 2 डिजिट है लेकिन यूनिट डिजिट का नंबर अगर 1 डिजिट में आया तो आपको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। देखिए अभी दोस्तों हम कुछ बड़े नंबर्स ले रहे हैं, जैसे कि 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, जिसका यूनिट डिजिट कुछ अलग ही हो। लेकिन टेंस डिजिट कौन सा चाहिए? टेंस डिजिट 5। अब आप सोचते होगे सर टेंस डिजिट जो है वो तो ये वाला होता है, जैसे 512, तो ये यूनिट डिजिट हो गया, ये टेंस डिजिट हो गया, और ये 100 डिजिट हो गया। तो टेंस डिजिट 5 कहाँ है? बराबर, जैसे यहाँ पर ये 5002 है, ये यूनिट डिजिट हो गया, ये टेंस डिजिट हो गया, ये 100 डिजिट हो गया, और 1000 डिजिट हो गया। सर यूनिट डिजिट तो यहाँ पर 0 है, सॉरी टेंस डिजिट 0 है, और आपका रूल तो कहता है कि टेंस डिजिट कितना चाहिए 5। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप ये समझ लो कि इसी को टेंस डिजिट यानी ये लेफ्ट साइड वाला, इसको टेंस डिजिट समझ लेते हैं, और राइट साइड में जो है वो यूनिट डिजिट। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ऐसा समझो ये टेंस डिजिट है, ये जो पार्ट है ये टेंस डिजिट है ऐसा मानकर चलते हैं, और ये जो पार्ट है ये यूनिट डिजिट है, यानी दो बंच बना लेते हैं। ये जो नंबर है कितने भी नंबर हो उसके हम दो बंच बना लिए, एक का टेंस डिजिट यूनिट डिजिट हो गया, यानी टेंस डिजिट 5 और यूनिट डिजिट 12, बस फिनिश। उसी प्रकार यहाँ पर ये वाला देखते हैं, तो ये टेंस डिजिट जैसे कि यहाँ इतना है, तो ये टेंस डिजिट मानकर चलते हैं, और ये जो है ये यूनिट डिजिट मानकर चलते हैं, बस फिनिश। ओके, तो शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये टेंस डिजिट है ऐसा मानकर चलो, और ये इसको इसका एक बंच बना लो 12, बराबर है। अब मुझे ये बताइए क्या ये कितने डिजिट है टोटल? 3 डिजिट। कितने डिजिट है? 3 डिजिट। अगर ये 3 डिजिट है तो स्क्वायर भी 3 डिजिट में आना चाहिए। जैसे कि हम बराबर देखिए स्क्वायर कितने डिजिट में आना चाहिए? 3। अब पहले सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये देखो ये लेते हैं 25। कितना लेते हैं? 25, यानी 5 का क्या लेंगे? 25, और 25 इसमें ये 12 क्या कर देंगे? प्लस। बराबर ध्यान से देखिए दोस्तों,
बराबर ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ आपके गलती करने का चांसेस 99.99% है। यहाँ आपकी गलती होने के चांसेस है 100% ही समझ लो। मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि ये 5 यानी 25 समझ लो और ये यूनिट डिजिट प्लस, अभी फिलहाल आपके नज़र में यूनिट डिजिट 2 दिख रहा है, लेकिन आप ये समझो कि ये एक बंच हो गया और ये यूनिट डिजिट हो गया, यानी 12 ये पूरा यूनिट डिजिट है। तो ये 5 की जगह 25 ले लेते हैं हम और इसमें यूनिट डिजिट प्लस, तो यूनिट डिजिट कौन सा मानकर चलते हैं अभी 12, तो 25 प्लस 12 होता है 37, बराबर है 37। और ये 12 का क्या कर देंगे, स्क्वेयर, 12 का स्क्वेयर कितना होता है दोस्तों, 144। और 144 कितने डिजिट में आ गया दोस्तों, 3 डिजिट, और आपको ये 3 डिजिट है तो स्क्वेयर भी 3 डिजिट में आना चाहिए, तो ये बराबर है ऐसा आपको लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक मिस्टेक है, आपके जो प्लस करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज करना है आपको। देखिए आपका आंसर ऐसा दिख रहा है, यानी आप करते क्या हो, मैं साइड में यहाँ पर वर्क करके बता रहा हूँ। ये देखो ये 512 बराबर, ये 5 को 25 लिख लेते हो और इसमें ये यूनिट डिजिट, ये कंप्लीट यूनिट डिजिट क्या करना है, प्लस, तो आप ये प्लस करते हो, प्लस कितना 12, तो ये 37 आ गया दोस्तों, आ गया। और ये 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। इस प्रकार से करते बस यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, वो कैसे चेंज करना है बराबर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। और अब देखो ये तरीका कैसे होगा, ये तरीका बराबर ध्यान रखो, ये 5 को हम लिख लेते 25, ये लिख लिया दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब ये जो यूनिट डिजिट क्या करना है आपको, प्लस, यूनिट डिजिट क्या करना है, प्लस, तो यूनिट डिजिट प्लस करना है, तो 12 ऐसे प्लस नहीं करना है, इसको तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। ये 12 ऐसे लिखना है, यानी ये लास्ट वाले नंबर के सामने से लिखना है आपको, ये लास्ट वाला जो नंबर है उसके नीचे से लिखना है आगे ऐसे, ये 25 और 12 ऐसे नहीं लिखना है, ये हर बार लिखते हैं हम, लेकिन अभी ऐसे नहीं लिखना है। जब भी आपको इस प्रकार से स्क्वेयर करना हो तो आपको करना क्या है, ये 25 और ये 5 के नीचे से स्टार्ट करना है ये 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 2 6 और 2 2 6 2 आया, और बाद में ये 12 का स्क्वेयर 144। तो देखिए दोस्तों ये वाला आपका आंसर है, और आप पहले की मेथड से अगर करते थे तो ये वाला आंसर आता था, यानी आपका आंसर गलत होता है। तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखो और आपका नॉलेज बिल्कुल परफेक्टली बढ़ेगा, नहीं तो आधा अधूरा नॉलेज लेकर वही बात हो गई। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का जैसा हाल हुआ था, यानी आधा ज्ञान था, तो आधा ज्ञान आपको पता है किस प्रकार से होता है, उससे अच्छा ज्ञान ना रहे वो ठीक था। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, ये देखो ये जो 5 है, ये 5 को मैं लिख लेता हूँ 25 और ये 12 क्या कर देता हूँ प्लस, तो इसका मतलब ये होता है 262, ओके। और ये 12 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 144, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, यानी इसका आंसर है 262 144। यह समझ में आया दोस्तों, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझने में आसानी हो। अब देखो ये 5 की जगह मैं लिख लेता हूँ दोस्तों 25, लिख लिया, ओके, ठीक है। अब उसमें ये वाला नंबर प्लस करना है, तो 0 नहीं, ये वाला प्लस नंबर प्लस करना है तो क्या करना है, 09, बिल्कुल जो नंबर है वो बिल्कुल 5 के नीचे से लिखना स्टार्ट कर दो, यानी 259, और ये 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81। बराबर ध्यान दीजिए दोस्तों, यह हर एक जो क्वेश्चन है, ये चार क्वेश्चन, ये आपको पूरा नॉलेज देकर जाएगा, इसीलिए आपको पूरा टोटल कंप्लीट बराबर ध्यान से देखना है। देखो मैंने क्या कर दिया, 5 का 25 लिखा और ये दोनों डिजिट मैंने इस प्रकार से प्लस किया, ऐसे प्लस नहीं करना है दोस्तों, ऐसे प्लस नहीं करना है आपको, इस प्रकार से प्लस करना है, 5 के नीचे से स्टार्ट करना। अब ये आ गया
और 9 का स्क्वायर, देखो 9 का स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों, 81। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो टोटल नंबर है ये 3 डिजिट नंबर है, टोटल नंबर 3 डिजिट है, तो आपका आंसर भी स्क्वायर नंबर 3 डिजिट में चाहिए। आपका स्क्वायर नंबर कितने डिजिट में चाहिए? 3 डिजिट में चाहिए। और मेरा स्क्वायर नंबर जैसे यार 12 का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर जो है 144, ये 3 डिजिट में आ चुका था। लेकिन ये 9 का स्क्वायर जो है दोस्तों, 9 का स्क्वायर कितना आया, ये देखो 9 का स्क्वायर मैं लिखता हूँ तो 81, ये तो 2 ही डिजिट में है। आपको चाहिए, ये टोटल 3 डिजिट है तो 3 डिजिट चाहिए, तो इसलिए आप अपने तरफ से एक जीरो लगाकर 3 डिजिट बना सकते हो, समझ में आया। और बाद में ये जो है 259, ये लिख लेते हैं, बस वेरी सिंपल। तो इस प्रकार से आप स्क्वेयरिंग कर सकते हो दोस्तों। देखो इस साइड में ये 5 का मैं क्या लिख लेता हूँ दोस्तों, 25 का मैंने लिख लिया है 25, और इसमें प्लस क्या करना है दोस्तों, 21, और इस प्रकार से ही प्लस करना है आपको, ये तरीका है उसका। अब ये 1, 7 और 2, 2, 7, 1, ओके। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हो गया, ये 5 का 25 लिख लिया, उसमें 21 प्लस कर दिया, और 21 का क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना है, 441, 3 डिजिट में आ गया दोस्तों 21 का स्क्वायर, और हमें चाहिए 3 डिजिट ही चाहिए, तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये 271 जैसे के वैसे लिख लो, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये वाला बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें 4 नंबर है, 4 डिजिट। अब 4 डिजिट है दोस्तों, तो वेरी सिंपल, ये जो नंबर है देखो, ये 5 का क्या लिख लिए अपने, 25, और आपको इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, लेकिन ये टोटल 4 डिजिट है, टोटल 4 डिजिट, तो आपको स्क्वायर भी 4 डिजिट में ही चाहिए, 4 डिजिट में चाहिए, तो यहाँ पर तो सिर्फ सिंगल डिजिट आया, तो आपको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, 1, 2, 3, 4 हो गया दोस्तों 4 डिजिट, कोई प्रॉब्लम। यानी स्क्वेयरिंग, जितने नंबर है उसका स्क्वेयरिंग भी 4 डिजिट में आना चाहिए, 4 डिजिट है तो 4 डिजिट, 3 डिजिट वाला नंबर हो तो 3 डिजिट में स्क्वेयरिंग चाहिए, 2 डिजिट वाला नंबर हो तो 2 डिजिट में स्क्वेयरिंग चाहिए। अपना स्क्वेयरिंग आया 1 डिजिट, तो हमने उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो 5 का 25 लिखा, और दोस्तों ये नंबर हमें प्लस करना है, कैसे प्लस करना है, 0, 0 और 2, 0, 0, 2, तो देखो इस प्रकार से 5 के नीचे से लिखना शुरू करना है दोस्तों कभी भी, यानी इसका आंसर आ जाएगा 25, 0, 2, 25, 0, 2, ओके, क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप बड़े से बड़ा नंबर, आप खुद अपने नंबर ले सकते हो और उसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बाद में शुरू करेंगे पार्ट 4। अब पार्ट 5 अगर आपको देखना है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको पार्ट 5 का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है, और आप कमेंट्स करते रहिए और लाइक करते रहिए, ताकि हमारा उत्साह जो बढ़ता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो हम बनाते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय।